बाप थाना क्षेत्र में आज दो अलग अलग हुए सड़क हादसों में 3 की मौत हो गई तथा 6 घायल हो गए। पहला हादसा भड़ला में दोपहर में हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक सौर्य ऊर्जा कंपनी के पास स्थित एक पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाकर कुछ ही दूर गए थे कि सामने से आए एक डंपर ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। भीषण टक्कर से बाइक चकनाचूर हो गई। दूसरा हादसा शाम को नूरे की भुज के पास मेघवालों की ढाणी के निकट हुआ। टेपू से एक पिकअप में सवार कुछ लोग नकद मना के दाम जा रहे थे। खाकुर से निकलने के बाद मेघवालों की ढाणी के पास सामने आ रहे वाहन को क्रॉस करने के बाद पिकअप असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पिकअप को सीधा किया तथा उसमें दबे पुरुषों व महिलाओं को निकाला। हादसे में एक की मौत के समाचार है। इसके अलावा एक 6 साल की मासूम सहित 6 अन्य घायल हुए हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बाप से बीकानेर रेफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का फलोदी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही लोडिया गांव में भाजपा के युवा नेता मेघराज कल्ला के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। वहां से यात्रा विशाल वाहन रैली के साथ आदर्श नगर स्थित हेडग्वार भवन मैदान में पहुंची, जहां पार्टी के कद्दावर नेता ओम माथुर, चुनाव प्रबंध कमेटी आयोजक नारायण लाल पंचारिया व महेंद्र राठौड़ आदि ने आमजन को संबोधित किया तथा राज्य की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार, कुशासन, असुरक्षित महिला एवं किसान विरोधी बताते हुए राजस्थान में परिवर्तन करके भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। राजस्थान भाजपा के चुनाव प्रबंध कमेटी संयोजक एवं पूर्व सांसद राज्यसभा नारायण लाल पंचारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आमजन के साथ धोखा किया है। इनके राज में महंगी बिजली, अघोषित कटौती, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। इसलिए अपने राज्य में भी भाजपा सरकार चुनकर डबल इंजन वाली सरकार बनानी है ताकि विकास की गंगा केंद्र से होती हुई राज्य सरकार के माध्यम से सीधे आमजन तक पहुंचे। पंचारे ने नगर परिषद में पट्टा वितरण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जांच ईडी से करवानी चाहिए। परिवर्तन यात्रा के मुख्य वक्ता ओम माथुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ताकतवर विकसित राष्ट्र और नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आमजन से किया वादा पूरा करते हुए राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, जिसका 2024 में हर कोई दर्शन लाभ ले पाएगा। इस दौरान महेंद्र राठौड़, पूर्व जेडीए अध्यक्ष विधायक पब्बा राम बिश्नोई, पूर्व विधायक मदन राठौड़, सांवला राम, जगदीश छाबा, जोगेश्वर गर्ग, जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा सोमवार को जांबा होते हुए शाम को बाप मंडोर चौराहे पहुंची। यहां पर पुष्प वर्षा के साथ रथ का स्वागत किया गया। मंडोर चौराहे से 4 दर्जन से अधिक वाहनों की रैली हनुमान मंदिर, सीनियर स्कूल, गायत्री मंदिर होते हुए पालीवाल समाज न्याति भवन पहुंची। पालीवाल समाज न्याति भवन में धर्मसभा हुई। धर्मसभा में संतों वक्ताओं ने कहा कि समय की मांग है कि हिंदू समाज संगठित होकर देश में पनप रही अराष्ट्रीय गतिविधियों को रोके। बजरंग दल बहुत मजबूत संगठन बने, इसके लिए गांव-गांव में हिंदू युवाओं को सदस्य बनाना जरूरी है। धर्मसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस समय बाप क्षेत्र में चहूं और बाबा की भक्ति की बयार बह रही है। जहां देखो वहां बाबा रामदेव की भक्ति के तरह तरह के नजारे दिख रहे हैं। कोई बाबा रामदेव के दर्शन करने वाले जातरुओं को खाना खिला रहा है, कोई पैर दबा रहा है तो कोई मरहम पट्टी कर रहा है। एक बाद एक भक्तों की मनुहार करने वालों की कोई कमी नहीं है। बीती रात रुक रुक कर हो रही बरसात ने बाबा के जातरुओं की परेशानी भी बढ़ा दी है। बाप में बाबा रामदेव मस्त मंडल द्वारा लगाए गए भंडार में मान मनुहार के साथ चाय, भोजन तथा चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। मंगलवार को तहसीलदार शिव प्रकाश शर्मा ने यहां आरती में भाग लिया तथा जातरुओं को भोजन करवाया। मदन गोपाल शर्मा ने बताया कि यह भंडारा 5 दिनों से चल रहा है। बाप थाना क्षेत्र के शीड़ा गांव में सोमवार सुबह दिन दहाड़े एक रहवासी घर में लाखों की चोरी हो गई। घटना के समय घर पर कोई नहीं था, सभी अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकले हुए थे, जिसका चोरों ने पूरा फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार शीड़ा गांव में पद्माराम दर्जी के घर में सोमवार सुबह एक कमरे में रखे 2 बक्सों के ताले तोड़ उसमें रखे करीब 8 तोला सोने तथा 1.25 किलो चांदी के जेवर तथा 2,000 रुपए रोक चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
बाप क्षेत्र के दुर्जनी में सोमवार दिन में विद्युत लाइन पर कार्य कर रहे एक ठेकाकर्मी लाइनमैन की करंट आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक घायल हुआ है जिसका पोखरण अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार दुर्जनी गांव में विद्युत लाइन में खराबी आने पर सवाई माधोपुर निवासी मुकेश मीणा उसे दुरुस्त करने के लिए पोल पर चढ़ा था। मुकेश मीणा ठेकेदार के अधीन कार्य करता है। उस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद ग्रामीण उसे पोखरण अस्पताल ले गए जहाँ चिकित्सकों ने मुकेश मीणा को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बाप डिस्कॉम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। एएसआई नासिर खान ने बताया कि मंगलवार को शव का पोखरण अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बाप में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी मांगीलाल को सौंपा। ज्ञापन में संघ ने स्पष्ट लिखा कि यदि सरकार ने शिक्षक संवर्ग की समस्याओं का अब निराकरण नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है।